बालाघाट के जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार आदिवासी क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का जल्द निराकरण भी कर रहे हैं। जैसा कि बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और अधिकतर देखा जाता है कि आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उन तक शासन की योजनाएँ भी नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में बालाघाट जिला पंचायत सीईओ के द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रों को चुन रहे हैं और वहां खुद पूरे अमले के साथ पहुंच भी रहे हैं। इसी के चलते वे कान्हा पार्क के बफर जोन से लगे व जनपद पंचायत बैहर एवं बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुदमा और बमनी पहुंचे और वहां पर चौपाल लगाई और चौपाल लगाकर वे ग्रामीणों के बीच में बैठे और ग्रामीणों की समस्याएँ सुनी। ग्रामीणों की समस्याओं में देखा गया कि अधिकतर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क ये सब उन्हें नहीं मिल पा रही है। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि आप लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। वहीं एक समस्या यह भी निकल कर आई कि बिजली नहीं होने से, पानी भी पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण खेती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ग्रामीणों को रोजगार के लिए दूसरे शहर भी पलायन करना पड़ता है। हम लोगों ने बैयर ब्लॉक का बमनी पंचायत था उसमें हम लोगों ने कैंप किया और एट द सेम टाइम बिरसा में हम लोगों ने गुदमा पंचायत की चुचरुमपुर में भी हम लोगों ने मतलब वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत की, उनके साथ में बैठे, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की हम लोगों ने। तो जो गुदमा पंचायत का चुचरुमपुर विलेज है वहाँ पे मूलभूत समस्या एक तो पीने की पानी की है और फिर दूसरा ये है कि वहाँ से रवि सीजन में लोग सारे के सारे तेलंगाना पलायन कर जाते हैं। पलायन होने का मुख्य रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता उनके खेत तक नहीं आ पाती है, जिसका मुख्य रीज़न बिजली की अनुपलब्धता है। मतलब बिजली की वहाँ पे समस्या है, वोल्टेज की समस्या है वहाँ। और जो अपना बमनी पंचायत है, बमनी पंचायत के तीन अपने गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, फिर उसके लिए डीपीओ मैडम से चर्चा हो गई है। संभवतः हम आने वाले एक दो महीने में वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र खोल दे पाएंगे। और उसके अलावा बम्मी में हमारे एसटी परिवार के कुछ ऐसे लोग ऐसे थे जिनको पात्रता पर्ची अभी तक नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे कैंप के लिए बताया है और फिर आने वाले अगले तीन चार दिनों में उसका भी समाधान कर लिया जाएगा। बम्मी में जो मेजर समस्या पाई गई वो अपने वनाधिकार पट्टों का जो मतलब नामांतरण का था उसका था, उसके लिए डीएफओ साहब से मेरी चर्चा हुई थी। डीएफओ साहब से जो बातचीत हुई उसके बाद में वहाँ पे हम लोग एक दो दिनों में वनाधिकार पट्टों के जो अपने नामांतरण के प्रकरण हैं उसके लिए भी रेंजर साहब के सहयोग से और अपने पंचायती राज के सहयोग से वहाँ पे कैंप लगाएंगे। मूलभूत ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि जहाँ पे समस्याएं हैं वहाँ पे जाके लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करके उनकी समस्याएं समझें, क्योंकि समस्याएं जितनी ज़्यादा समझेंगे लोगों के बीच में जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग समाधान।